तो इससे पहले मैंने Redmi Note 10s के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए कि कैसे आप अपने डिवाइस को रूट कर सकते हैं, यानी कि Redmi Note 10s को। लेकिन इस वीडियो के नीचे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आने लगा था कि भाई हमारा डिवाइस इस मेथड को यूज़ करके ब्रिक हो रहा है, यानी कि बूट लूप में जा रहा है Redmi Note 10s। पर्सनली मुझे टेलीग्राम में भी मैसेज आया, बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो डाला। और हमारे इस चैनल पे आपको कोई भी फेक वीडियो नहीं मिलेगा। तो आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट मेथड लेकर आया हूँ Redmi Note 10s को कैसे आप रूट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा विदाउट एनी स्किप, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको जानना जरूरी है, अदरवाइज आपका डिवाइस बूट लूप में जा सकता है। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर कहीं से भी पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा डिवाइस यहाँ पे रूट नहीं है। यहाँ पे रूट चेकर एप्लीकेशन से यहाँ पे एग्री करते हैं और यहाँ पे वेरीफाई रूट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस इज नॉट रूट। अब दूसरा यहाँ पे हम लोग चेक करा देते हैं कि कस्टम रिकवरी भी हमारे डिवाइस में इंस्टॉल नहीं है। जी हाँ, इस प्रोसेस में आपको कस्टम रिकवरी का जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको पीसी या बग जिगर एप्लीकेशन का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ कि हमारा डिवाइस में कस्टम रिकवरी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे डिवाइस में अभी कोई भी कस्टम रिकवरी नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसे रिबूट कर लेते हैं और सिस्टम को भी चेक करा देते हैं कि हमने डिवाइस को रूट नहीं किया है। अब आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहला काम आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अबाउट फोन में जाना है, आपके डिवाइस के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखना है कि आपके डिवाइस में करंट में कौन सा ओएस रन कर रहा है। जैसे कि हमारे डिवाइस में भी एंड्रॉइड 12 है और MIUI 13 है। अगर आपके डिवाइस में MIUI 12.5 रन कर रहा है तो भी चलेगा। बस आपको वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना है कि आपके डिवाइस में जो करंट में वर्जन चल रहा है उसका फास्टबूट रोम डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे इस वेबसाइट से, और इस वेबसाइट से अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग फास्टबूट रोम डाउनलोड करना है। और ध्यान रहे फास्टबूट फाइल का एक्सटेंशन होता है .tzz। उसके बाद फास्टबूट फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना और boot.img मिलेगा, मैंने यहाँ पे रीनेम करके रखा है। वीमेटा फाइल भी आपको यही यूज करना जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये हर एक ओएस के लिए सेम है, यानी कि अगर आपका MIUI 12.5 है तो भी आपको वीमेटा फाइल यही लगेगा और MIUI 13 में भी यही लगेगा। देन यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउजर में और यहाँ पे मैजिक्स मैनेजर टाइप कर देना है, और पहला जो लिंक रहेगा यहाँ से आपको मैजिक्स मैनेजर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। अब आता है मेन काम, यहाँ से आप वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए, अदरवाइज आपको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो रिसेंट एप्लीकेशन को क्लियर कीजिए, मैजिक्स मैनेजर यहाँ पे ओपन कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। और मैजिक्स मैनेजर इंस्टॉल किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर एसयू और मॉड्यूल्स वाला ऑप्शन अभी इनेबल नहीं है। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि रैम डिस्क यस है, तो आपका भी होना चाहिए। तो अगर आपका यस है तो सबसे पहले यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट पैच फाइल करना है, और आपने जो फास्टबूट रोम डाउनलोड किया है और बूट फाइल को एक्सट्रैक्ट करके निकाला है उसका लोकेशन यहाँ पे आपको देना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं MIUI बूट यही फाइल हमने दिखाया था, इस तरह से सेलेक्ट करना और नेक्स्ट गो पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए पैकेज होना स्टार्ट हो रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे पैच कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे जो हमारा डाउनलोड फोल्डर है उसके अंदर यहाँ पे हम लोग पैच फाइल मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइल मैनेजर पे चलते हैं डाउनलोड पे, और आप देख सकते हैं डाउनलोड पे एक फाइल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब आता है मेन काम कि आपको करना क्या है। अब जो भी मेथड मैं आपको दिखाऊंगा वो सभी के सभी पीसी में है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने जो फाइल पैच किया है उसे आप पीसी में मूव कर दीजिए। उसके बाद आप अपने डिवाइस को पावर ऑफ कीजिए। पावर ऑफ करने के बाद सिंपली आपको फास्टबूट मोड में जाना है, इसके लिए वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ होल्ड करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं फास्टबूट मेनू आ गया। अब हम लोग डिवाइस को पीसी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। पीसी में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना है, जैसे कि यहाँ पे ADB सेटअप डबल क्लिक करना है, वाई टाइप करना है और इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे MI फ्लैश टूल के अंदर भी कुछ ड्राइवर आपको मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इन सभी ड्राइवर को आपको इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल कर लेने के बाद आप अपने पीसी या लैपटॉप को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वीमेटा फाइल एंड मैजिक्स जो पैच किया है वो दोनों फाइल हमने यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे टाइप करना CMD हिट इंटर, इस तरह का पॉपअप आएगा। अब आपको सबसे पहला कमांड टाइप करना है फास्टबूट डिवाइसेस, और उसके बाद हिट इंटर कीजिए, रैंडम सा कोड आएगा, यानी कि आपका डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्टेड है। अब आपको टाइप करना है फास्टबूट फ्लैश VB मेटा, उसके बाद यहाँ पे अपने जो VB मेटा फाइल को रखा है प्लेटफॉर्म टूल के अंदर उसे आपको इस तरह से डार्क एंड ड्रॉप करना है ठीक CMD में, हिट इंटर कीजिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइटिंग रिकवरी फिनिश टोटल टाइम ओके आ गया, यानी कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। देन नेक्स्ट कमांड आपको टाइप करना है फास्टबूट फ्लैश बूट स्पेस, देन यहाँ पे जाइए वापस से जो आपने मैजिक्स मैनेजर से पैच किया था फाइल को उसे इस तरह से डार्क एंड ड्रॉप कर देना है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पे हिट इंटर, देखिए सेंडिंग बूट, राइटिंग बूट,
टोटल टाइम फिनिश, ओके ओके आ गया, यानी कि सक्सेसफुली हमने अपने डिवाइस में मैजिक्स मैनेजर को इंस्टॉल कर लिया है। अब अपने डिवाइस को आपको रिबूट करना है, उसके लिए पासबूट रिबूट हिट इंटर रिबूट, देखिए डिवाइस हमारा रिबूट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं मैजिक्स मैनेजर और चेक करते हैं कि हमारा डिवाइस सक्सेसफुली रूट हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारे डिवाइस में सुपर यूजर और मॉड्यूल्स का भी ऑप्शन इनेबल हो चुका है, यानी कि सक्सेसफुली हमने अपने डिवाइस को रूट कर लिया है विदाउट एनी कस्टम रिकवरी और विदाउट बूट लूपिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई रूट और यहाँ पे ग्रांट करने के लिए बोलेगा और हम लोग ग्रांट कर देते हैं। देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन रूट एक्सेस प्रॉपरली इंस्टॉलेड ऑन दिस डिवाइस, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक सेफ तरीका है जिससे आप अपने रेडमी नोट 10 को रूट कर सकते हैं। रूट करने के बाद मैजिक्स मैनेजर में हर एक फीचर्स यहाँ पे हमारा इनेबल हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि अगर आप अपने डिवाइस को रूट कर चुके हैं और आपके डिवाइस में कोई OTA अपडेट आता है और वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो कैसे आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल और ईजी मेथड है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। पर्सनली कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।